है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। थाना क्षेत्र के गांव में शौच करने गई मंदबुद्धि मुकबदिर युवती 26 वर्ष के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया। दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार लेकर अपनी विधवा मां के साथ गोवर्धन थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर ना तो मुकदमा दर्ज किया है और ना उसका मेडिकल परीक्षण कराया है। बृहस्पतिवार को एक मंदबुद्धि मुकबदिर दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार लेकर अपनी मां के साथ गोवर्धन थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई थाने में नहीं हुई। पीड़िता की मां का आरोप है कि बुधवार को पुत्री खेतों में शौच के लिए गई थी। वहां गांव के ही 55 वर्षीय अधीर ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। इसकी लिखित तहरीर गोवर्धन थाने में दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बृहस्पतिवार को ग्रामीणों के साथ थाने पहुंची पीड़िता के न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने उसे मेडिकल परीक्षण हेतु ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने को कहा। दुष्कर्म पीड़िता के साथ थाने आई सामाजिक महिला कार्यकर्ता ने बताया कि पीड़िता के पिता का निधन हो चुका है। उसकी वृद्ध मां को पुलिस और आरोपी पक्ष के लोग राजीनामा के लिए दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुई है कल 12 बजे की घटना है। ये लड़की है 26 साल की, मंदबुद्धि है, बोलती नहीं है, गूंगी है, बहरी है। ये गई होगी शौच के लिए खेत पे, जिसके साथ में हुआ बलात्कार। ये दलित समाज की लड़की है, पिता इसका है नहीं है, माता जी इसकी गांव में थी, अपनी मायके में चली गई थी, लड़की अकेली गई थी उसको खींच करके। और कुछ लोगों ने मौके पर देखा है, तब उस लड़की के भाई को फ़ोन किया है, वहाँ पर बुलाया है, जब जाके उसको खूब मारा पीटा है जो आरोपी है, और उसको मार पीट करके फिर राजीनामा कुछ चार आरोपी का नाम है सोरन सिंह। अरे आप थाने आइए, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी तो कल से लेकर अब तक कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है, लड़की का मेडिकल नहीं हुआ है। 3 घंटे हमको हो चुके हैं यहाँ पर, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, थाना पूर्ति चल रही है। अगर ये लोग यहाँ पर नहीं सुनेंगे, हम फिर SSP साहब से मिलेंगे। क्या करें कोतवाल साहब, क्या करें? ये वो अब गए हैं गाँव में, मौके पर गए, जाँच पड़ताल करेंगे, वहाँ पर जाके उस लड़की को भाई को लेके गए हैं। एक लड़की का भाई यहाँ पर है, माँ है यहाँ पे, अब हम मथुरा जा रहे हैं, ये करेंगे मेडिकल के लिए। और हमसे ये और बोला जा रहा है कि मतलब गाड़ी मंगाइए, जब पुलिस FIR करेगी, मुकदमा करेगी, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, पुलिस लेकर के जाएगी लड़की को मेडिकल के लिए। हम कहाँ से लेकर जाएंगे, गरीब परिवार है, गाड़ी क्या है, हम शादी में जा रहे हैं, जो कि मतलब गाड़ी मंगाएंगे। FIR कॉपी दे दी आपने? अभी हमें कोई नहीं दिए, ना कॉपी मिली है, ना कुछ हुआ, हमें नहीं पता क्या कर रही है पुलिस यहाँ की गोवर्धन की। तहरीर तो दे दी आपने? तहरीर हमने दे दी है, लेकिन हमारे हाथ में कोई रिसीविंग कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं मिला है अभी।